अबे ऐसा कौन सा काम है जो वीडियो को अपलोड करने के 10 मिनट पहले करना पड़ता है? तो आप लोग YouTube पर वीडियो को अपलोड करने से सिर्फ 10 मिनट पहले आप एक काम कर दीजिए अपने वीडियो में, उसके बाद आपके जो व्यूज है पहले अगर 10 आते होंगे तो इस बार आपके 100 व्यूज आएंगे, मतलब आपके व्यूज 10 गुना होने वाले हैं। अबे साले तेरे वीडियो पर कितने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तू मुझे सिखा रहा, यही कह रहे हो ना? गाइज यार ये चैनल जो है डेड हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, मैंने आप लोगों को बताया। एंड उसके बाद मैं सेकंड चैनल पर भी काम कर रहा हूँ और वहां पर मैंने आपको ये भी कुछ दिनों पहले दिखाया था कि मात्र 7 दिनों के अंदर वहां पर मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए थे एंड 2000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट किया था। तो गाइज यहाँ पर आप साइड में भी देख पा रहे होंगे, तो ये सारी चीजें होती है। डेड चैनल अगर आपका भी हो चुका है तो सिंपल सा मैं एक ही बात कहूंगा, आप सेकंड चैनल पर भी काम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? और अगर आपकी सब्सक्राइबर्स भी नहीं है और आपका चैनल डेड हो चुका है, मतलब 1-1.5 साल से चला रहे हैं और आपका चैनल डेड हो चुका है, आपके व्यूज भी नहीं आ रहे, तो भाई उस चैनल को क्लोज कर दीजिए एंड सेकंड चैनल पर काम स्टार्ट कर दीजिए। तो अब हम मेन पॉइंट आते हैं, ऐसा यार कौन सा काम है जो मैं वीडियो अपलोड करने के सिर्फ 10 मिनट पहले करना पड़ता है? गाइज यार है काम, आप जब उसको जानेंगे ना तो आप कहेंगे एक्चुअल में ये बंदा है सही बोल रहा है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर बता चुके होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके चैनल में ट्विस्ट लाने वाला। एक्चुअल में यार मैं इस वीडियो को बना क्यों रहा हूं, क्योंकि मैंने सेकंड चैनल पर इस चीज का ट्राई किया है ना, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस जब आप अपने YouTube वीडियो को बनाते हैं एंड अपलोड करने के लिए YouTube एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो सिंपल से आपको करना क्या, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा जब आप YouTube एप्लीकेशन को ओपन करते हैं एंड प्लस के आइकन से अपने वीडियो को अपलोड करने के लिए सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है जहां पर आपको टाइटल वगैरह डालना पड़ता है। अब बहुत से लोग करते क्या है, सिंपल से यहां पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? एंड वो टाइटल वगैरह है जो YT स्टूडियो एप्लीकेशन से डालते हैं, मतलब सिंपल सा यहां पर केबल केबल वीडियो को अपलोड करते हैं। अब गाइस ऐसे में होता क्या, आपका वीडियो कहां पहुंचाना ये चीज समझ में नहीं आती है। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, जैसे कि आपका टॉपिक है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, जब आप वीडियो को अपलोड करेंगे तो उससे रिलेटेड यहां पर अपना टाइटल लगाएंगे, जैसे कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, यहां पर आप देख पाएंगे इस प्रकार से अपना टाइटल लगाएंगे। अब यहां पर टाइटल लगाने से क्या होगा, और सेम टाइटल को आपको डिस्क्रिप्शन में भी यहीं पर पेस्ट कर देना है। अब गाइस एक्चुअल में होता क्या, यहां पर अगर आप टाइटल को लगाते तो ऐसे में आपको फायदा क्या मिलेगा दोस्तों, एक चीज समझिए, जैसे कि अब यहां पर आपने टाइटल लगा दिया तो जब तक आपका वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, तो अब YouTube को मतलब समझ में आ जाता है कि इस वीडियो को हमें कहां पर पहुंचाना है, किस सर्च बार में पहुंचाना है, किस तरीके से इसको मैं रैंक कराना है। गाइस अगर आप यहां पर जैसे कि वीडियो को सिंपल से अपलोड कर देते तो आपका वीडियो YouTube के डाटा में सेव तो हो जाता है, जैसे कि यहां पर भीड़ है सेव तो हो गया, बट गाइस उस वीडियो को हमें लगाना कहां पर है, किस क्रम में लगाना, ये चीज YouTube समझ नहीं पाता है। और अगर आप यहां पर टाइटल डालते तो YouTube का एल्गोरिथम समझ लेता है कि ये वीडियो किस लिए अपलोड किया जा रहा है और हमें इसको एक्चुअल में पहुंचाना कहां है। अब ऐसे में क्या होगा, आपका वीडियो सर्च बार में या किसी वीडियो के सजेशन में रैंक करेगा तुरंत से, ठीक है? अगर वहीं पर आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन से बाद में लगाते हैं तो YouTube का एल्गोरिथम थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है, क्योंकि वो यार बाद में जैसे कि पहले तो यहां पर स्टोर हो गया, फिर यहां से उठा के यहां पर ले जाएगा, तो ये चीज यार समझ सकते हो आप लोग कितना बड़ा नुकसान होता है, ठीक है? सिंपल सा एक तरीका ये हो गया आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तरीका जो कि मैंने सेकंड चैनल पर ट्राई किया और यहां पर मैं हर बार ट्राई करता हूं, बट ये चैनल यार डेड हो चुका। मैंने आप लोगों को बताया कि 1 साल में मुश्किल से मैं 3 महीने तक एक्टिव था, तो 6 महीने तक बीच में डीएक्टिवेट हो गया था, तो यार उस वजह से चैनल डेड हो गया। और दोस्तों यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप यहां पर वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपको उस समय अपनी विजुअलिटी जो यहां पर आपको दिखाई दे रही है यहां पर आपको पब्लिक नहीं करना है, सिंपल सा आपको अपनी विजुअलिटी को आपको अनलिस्टेड पर सेलेक्ट करके रखना है एंड यहां से आपको अपना वीडियो को अपलोड करना है, पब्लिक आपको बाद में लास्ट में करना है YT स्टूडियो एप्लीकेशन से। सेकंड स्टेप में हम करते क्या, सिंपल सा YT स्टूडियो एप्लीकेशन से अपने डिस्क्रिप्शन को लगाते हैं, ठीक है? या हम यहां पर ही डिस्क्रिप्शन लगाते हैं। एक्चुअल में हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो लगाना किस तरीके से ये चीज हम फोकस नहीं करते हैं, हम अपनी मर्जी से पेल देते हैं या किसी एप्लीकेशन के द्वारा वहां से कॉपी करते हैं, बट हमें यूट्यूब खुद यार प्रोवाइड कर रहा है कि इस तरीके से आप काम करिए यहां से, मतलब यूट्यूब एक तरीके से हमें सजेस्ट करता है। तो यार ये सजेशन क्या है, तो गाइस जब वीडियो को अपलोड कर दिए जाते हैं तो उससे पहले आपको करना क्या, सिंपल सा आपको YouTube एप्लीकेशन को ही ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है एंड आपको अपना टॉपिक सर्च कर देना है। टॉपिक सर्च करने के बाद आपके पास बहुत सारे वीडियो जाएंगे। अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको ऐसे ही लेने देना है एंड आपको फिर से एक बार अपने सर्च बार पर क्लिक करना है, तो आपके पास यहां पर इस प्रकार से कीवर्ड्स आ जाएंगे, यहां पर आप देख पाएंगे। तो यहां पर आ रहे जैसे कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए सर्च किया तो यहां पर आ रहे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए 2022 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए YouTube पर, तो इन सबका स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहां पर करना क्या, आपको एक बार हिंदी वाला ले लेना आपको एंड एक बार इंग्लिश वाला, जैसे कि सबसे पहले आपने सर्च कर दिया YouTube सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए और अब की बार सर्च कर देंगे हाउ टू इंक्रीज YouTube सब्सक्राइबर्स, इस प्रकार
प्रकार से तीन चार तरीके से सर्च कर सकते हैं आप, जैसे कि YouTube पर सब्सक्राइब, इस प्रकार से आप सर्च करेंगे ना तो बहुत सारे कीवर्ड्स आपको आएंगे, तो इन सभी को आपको स्क्रीनशॉट लेना है एंड आपको इनको एक एक करके अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालना है। अब गाइस यहां पर होता क्या एक्चुअल में, तो ये कीवर्ड्स जो आपको मिलेंगे ना तो ये रैंकिंग कीवर्ड होते हैं जो बहुत ही टॉप पर रैंक करते हैं ये सारे कीवर्ड्स, तो इनको आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालना है। तो गाइस यार थर्ड हमारा पॉइंट रहता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, अपने वीडियो में टैग्स का यूज बहुत से लोग नहीं करते हैं। अब गाइस टैग्स का यूज हर वीडियो में करना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है किन वीडियोज में, जो टॉपिक आपके सर्चेबल टॉपिक है उन वीडियोज में आपको टैग्स का बहुत ही इस्तेमाल करना है। ट्रेंड चल रहा है कुछ तो उसमें टैग्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप कोई ऐसा टॉपिक बना रहे हैं जिसको मतलब सर्च वैल्यूम जो है वो बहुत ही कम है, तो आपको सिंपल सा उस टॉपिक में टैग्स ना लगाए तो भी चलता है, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे दो चार चल जाएगा। दोस्तों बात रहती है कि हम टैग्स लेंगे कहां से, तो सिंपल सा जैसे कि मैंने आपको बताया यूट्यूब पर आप सर्च करें एंड उस पर क्लिक करिए तो जो स्क्रीनशॉट होंगे आपके पास, ठीक है, उन्हीं स्क्रीनशॉट में जो आपके यहां पर मतलब टाइटल कीवर्ड्स मिल रहे हैं उन्हीं कीवर्ड्स को आप टैग्स में भी डाल देंगे। और इस प्रकार से गाइज मेरा यकीन करिए, अगर आपका चैनल डेड नहीं हुआ है, फ्रीज नहीं हुआ है और आपके वीडियो पर 15 से 20 व्यूज आते हैं, तो सिर्फ गाइज यार एक बार ही काम करके देख लीजिए एंड उसके बाद 10 गुना आपके वीडियो पर व्यूज आएंगे, और नहीं आते हैं तो भाई मेरे को मार लीजिएगा यार, गाली दे लीजिएगा कमेंट में, क्योंकि यार ये तरीका मैंने चैनल पर ट्राई किया है। और ऐसा नहीं है कि आपने पहला वीडियो अपलोड किया तो यार पहले वीडियो में अगर नहीं आए तो ये हो सकता है 2-4 वीडियो आप कंटिन्यू काम करिए एंड उसके बाद आपको इसका जो बेनिफिट है वो ऑटोमेटिक दिखाई देने लगेगा। तो गाइस यार अंत में आपसे बस एक ही बात कहूंगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।